हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। दोस्तों, कैसे आप लोग? और मैं हूं आपका अपना छोटा सा प्यारा सा डॉक्टर, डॉक्टर नवनीत कलरा। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको सुन के थोड़ा सा अचरज होगा आपको, लेकिन आपके काम का टॉपिक है। टॉपिक क्या मालूम है? हार्ट अटैक, जो कि बहुत ही लीडिंग कॉज है डेथ का पूरे वर्ल्ड में। उसके साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होगी और आप सुन के कुछ हैरान हो जाओगे, और शायद आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाए, है ना। फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के लिए। आज आपको बताऊँगा कि हार्ट अटैक किस हफ्ते के किस दिन ज़्यादा होता है, किस दिन कम होता है, नंबर वन। साल के किस महीने कम होता है, किस महीने ज़्यादा होता है, नंबर टू। दिन में किस वक्त ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, किस समय खतरनाक होता है दिन में अगर हो जाए, किस टाइम पे, और घर के किस हिस्से में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो है ना, कुछ अजीबोगरीब टॉपिक, बिल्कुल सब कुछ अजीबोगरीब है। पहली चीज, सबसे ज़्यादा हफ्ते में अगर कोई दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक होने का, 20 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो है मंडे, सोमवार, और शनिवार को सबसे कम होता है। कारण आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको याद होगा, आपको अगर आप याद करें तो आपका सबसे अच्छा दिन, आप जब आप पढ़ते थे, आपको कौन सा अच्छा दिन अच्छा लगता था? इतवार या शनिवार, संडे या सैटरडे? मुझे पता है ज़्यादा तो लोगों को सैटरडे अच्छा लगता था क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी, और संडे इवनिंग सबसे ख़राब लगती थी क्योंकि मंडे सुबह स्कूल जाना होता था। सच बता रहा हूँ, तो आप खुद नोट करिए कि सैटरडे आपका सबसे कूल डे होता था और संडे इवनिंग सबसे ख़राब लगनी शुरू हो जाती थी क्योंकि मंडे को जाना है। यहाँ पे भी यही कारण है, मंडे को बॉस ऐसी तैसी करेगा, मंडे को जॉब पे जाना है, पहला स्ट्रेस दिमाग में घुस गया, जो टारगेट दिए गए थे उसको पूरे करने, नंबर वन। नंबर टू, संडे इवनिंग को या सैटरडे इवनिंग को हम ज़्यादा खाते पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, ये सब चीज़ें, बाहर जाते हैं, खाना पीना ज़्यादा होता है, ये भी कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालता है और मंडे मॉर्निंग में आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। तो ये कारण है मंडे का, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, नंबर टू हमारा खाना पीना, तीसरा कुछ हद तक क्लियर ही नहीं है कि क्यों, लेकिन कुछ चीज़ें जो पता हैं वो मैंने आपको बता दी। शनिवार को सबसे कम हार्ट अटैक होता है क्योंकि शनिवार को आप कूल रहते हो, काम रहते हो, बड़े खुश होते हो, कल तो जाना नहीं है, आज संडे का दिन है, दारू पीने का दिन है, है ना, लोगों के दिमाग में यही होता है, आज संडे का दिन है दारू। रजनीकांत की पिक्चर याद आ गई मुझे, चालबाजी, इसमें रजनीकांत बोलता था आज संडे का दिन है, दारू पीने का दिन है। चलो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि साल में कौन सा महीना ऐसा है जब आपको हार्ट अटैक होने के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, वो है दिसंबर। कारण, ठंड। जितना ज़्यादा ठंड पड़ती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा होता है। सबसे कम जुलाई में। अब ये क्यों, ये इसका कारण मुझे नहीं पता, जुलाई में क्यों होता है कम, देखा गया है, ये जो स्टडी हुई है उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जुलाई में कम होता है। हाँ, चलो, और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक होते हैं जनरली अर्ली मॉर्निंग में होते हैं या लेट नाइट, जैसे कि 3-4-5 बजे के बीच में और 6 बजे के आसपास, तो ये जो टाइम होता है इसमें मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं। और ये देखा गया जो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक होते हैं 5-6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ज़्यादा सीरियस होते हैं। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज़्यादा सीरियस होते हैं। कारण अभी पता नहीं है, रीज़न इसका पता नहीं है, लेकिन ये देखा गया है अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज़्यादा सीरियस होते हैं। और मैक्सिमम हार्ट अटैक जो ज़्यादा होते हैं जिस हिस्से में, वो होता है हमारा बाथरूम या वॉशरूम, ठीक है, टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट की सीट पर जब हम बैठते हैं तो जोर लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं, एक्जर्शन करते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, नंबर एक। इवन चाहे आप बाथ ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, फिजिकल एक्जर्शन होता है, वो भी एक कारण होता है। और कई बार ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी एकदम से सर के ऊपर डालने से या बॉडी के ऊपर डालने से भी हार्ट अटैक हो सकता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन जो सडन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम से नहाएं, गुनगुने, बैठ के नहाएं, खड़े होकर ना नहाएं, मैं तो यही बोलूँगा, और थोड़ा तसल्ली से नहाएं, मिक्स कर लें पानी को अच्छे ढंग से। और जिन लोगों के हार्ट वीक हैं उनको बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, और घर वालों को थोड़ा निगाह रखनी चाहिए। और बड़े लोगों को ना, खास तौर से जैसे एज बढ़ती आती है, सुबह सुबह नहाने का बड़ा होता है, बड़े कंप्लेन करते हैं पेशेंट कि सर हमारी मदर सुबह उठते ही 5 बजे नहा लेती हैं, बताओ इस उम्र में, और ये सब सुबह सुबह आवाज़ें आ रही थी, राम 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 राम, मतलब मुझे लगता है जो जितना ज़्यादा बुढ़ा होता जाता है वो उतना जल्दी उठ जाता है। 3 बजे उठने वाले की मैं उम्र बता देता हूँ कितनी होगी,
कई बार मैं रात को राउंड लेने जा रहा होता था, कोई कॉल आ गई तो मैं 3-4 बजे देखता था कुछ ओल्ड पर्सन गली में चक्कर लगा रहे होते थे। तो वो क्या करें, अभी एजिंग प्रोसेस है, कुछ नहीं कर सकते आप। आत्मा का परमात्मा में विलय होने लगता है, ऐसा लगता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको कि कौन से महीना, कौन सा दिन और कौन सा समय ज़्यादा खतरनाक होता है हार्ट के लिए। तो आप भी अपने हार्ट को बचा सकते हैं अगर आप शनिवार और इतवार को थोड़ा सा खाने पीने में कंट्रोल करें। अच्छा है छुट्टी है, लेकिन छुट्टी को इतना मत ज़्यादा ऐश कर लें कि अगले दिन मंडे को आपको भुगतना पड़ जाए। और चलो, और एडिक्शन से दूर रहो भाई, जैसे मैं हूँ, मस्त हूँ, मस्त मौला। कोई अच्छे से शौक पालो यार, म्यूज़िक का, गाने का, कुछ करने का, है ना, कुछ ऐसे शौक पाल लो तो अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा, अपनी हैबिट से, अपनी हॉबी से प्यार होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको लिए एडिक्शंस कोई नहीं होता। एडिक्शंस, अब मेरा एडिक्शन क्या है, मेरे एडिक्शन आप लोगों से बात करने का, इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। पैसा भी कमाता हूँ यूट्यूब से और आप लोगों से बात भी करता हूँ। तो ऐसी हॉबी पाल लो जिससे पैसा भी आए और दिमाग का दिमाग भी बिल्कुल कंट्रोल में रहे। किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती अगर आप लोग मेरे साथ हो तो। सच बता रहा हूँ मैं तो भैया, सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरे लगा ये सब लपेट कर लपेट के बात करना मेरे से नहीं आता, ठीक है। तो चलो बताता हूँ आपको कि इसी बात पे गाना ही आ गया। बस म्यूज़िक सुना करो तो अच्छा रहेगा, हार्ट अटैक भी कम होते हैं, टेंशन भी कम रहती है। तो मेरे साथ रहना है तो जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। हो जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। हो यस, जिंदगी रंगी बनाएंगे आपके साथ। आपका शशि कपूर इसी तरह से आता रहेगा और आपके साथ मिलके जिंदगी के हर पल गुजारता रहेगा। इसी बात पे हो जाए क्या हो जाए, सब्सक्राइब कर दो यार, इतना और क्या करना है। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS।